कल आगरा का केस हुआ, एक 14 साल की लड़की पे तेजाब डाल के उसको बहुत गंभीर रूप से जलाया गया है। तेजाब नहीं, पेट्रोल डाला, सॉरी पेट्रोल डाल के उसको जला दिया गया है। 75% लड़की जली हुई है अभी। वो उसका हमारे सुबह आज SSP आगरा से बात हुई है, उन्होंने मुझे बताया कि लड़की ने कुछ भी नहीं बताया है कि कहाँ कौन उसका दुश्मन है। लड़की तब बोल रही थी, ना उसके माँ बाप ने किसी खास व्यक्ति के प्रति शिकायत की है। एक ये आशंका जताई कि ये व्यक्ति हो सकते हैं, तो उन 3 लड़कों को पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया है। और उसके अलावा बहुत गंभीर लड़की है, तो पहले हम लोगों को कोशिश रहती है कि पहले उसकी जान बचे, तो उसको तुरंत सफदरजंग अस्पताल दिल्ली में रिफर कर दिया गया। महिला आयोग की तरफ से क्या कार्रवाई हुई है उन लड़कों पर या उसकी? देखिए, ऐसा महिला आयोग तो चाहता है कि तुरंत वो लड़के पकड़े जाएं और तुरंत उनको जेल पहले डाला जाए, उसके बाद उनको कठोर से कठोर सजा मिले। लेकिन अभी वो असल में लड़की है ना, उसके माँ बाप कुछ बता नहीं पा रहे हैं कि कौन दुश्मन हो सकता है। वो कह रहे हैं हमारा कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने जो जरा सा इशारा किया है कि हम उनको शक है, तो शक की बिना पर 3 लड़के उठाए गए, तो उनकी अभी विवेचना चल रही, जांच चल रही है। जैसे ही अगर उनका कुछ तय होता तो फिर आगे तुरंत जेल भेजा जाएगा और उसके बाद उनकी केस चलेगा उनके ऊपर।